हेलो फ्रेंड, नमस्कार, स्वागत है आपका भी और बेस्ट डॉक्टर चैनल में। गाइस, आज हम एक छोटा सा टॉपिक क्लिप है और उसको हम क्लियर करेंगे कि अगर किसी के आंतों में या किसी के जो आंत इंटेस्टाइन है वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो क्या सजेशन है और पेशेंट को हम क्या कर सकते हैं और किस तरह से सिटी स्कैन में जो उसका लेवल है, जो उसका प्रिंट है, उसमें हमें क्या देखने को शो होगा। सो मेरे पास यहाँ पर इसकी फिल्म नहीं है, सो मैं उसकी फिल्म आपको नहीं दिखा सकता सिटी। और मेरे पास इसका ऑलरेडी जो इसकी जो प्रिंट है वो प्रिंट मेरे पास है। मैं आपको प्रिंट में दिखाने की कोशिश करूँगा कि आपको किस तरह से समझना है कि अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर सिटी के अंदर किस तरह से आपको देखना है कि जो आपके इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन है। देखिए, सबसे पहले हमें ओपिनियन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। एक ओपिनियन का ऑप्शन आएगा। ओपिनियन में हमें देखना है कि क्या लिखा हुआ है। मैं ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि टाइम मेरे पास थोड़ा सा कम है और मैं छोटी सी क्लिप आपको देना चाहता हूँ जिसमें कि आप मोटा मोटा हिसाब लगा लें कि इसमें लिखा क्या हुआ है, क्या समझना है आपको। ओरल कंट्रास्ट वॉज नॉट गिवन। हमने इस पेशेंट को ओरल कंट्रास्ट नॉट नहीं दिया है इस पेशेंट को स्पेशली, क्योंकि इंटेस्टाइन का जो केस होते हैं ना, अगर उसमें आपने एक गिलास पानी तो छोड़िए, आधा गिलास और थोड़ा बहुत भी पानी या थोड़ा बहुत भी खाने को अगर दिया तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ऐसी कई कंडीशंस हमें देखने को मिल सकती हैं जो तुरंत ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले आप ये बात समझ लीजिए, अगर इंटेस्टाइन का केस है और स्पेशली रुकावट का केस है, अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का केस है, चाहे वो इंटोससेप्शन हो या अदर कंडीशन हो या स्टूल सूख गया हो, ठीक है, या फिर स्ट्रेंगुलेटेड हो, कोई भी अगर ऑब्स्ट्रक्टेड का केस है तो वहाँ पर आपको ओरल तुरंत बंद कर देना चाहिए। ओरल आपको कुछ भी नहीं देनी चाहिए। अगर ओरल आपने दिया पेशेंट को तो आप पेशेंट को बहुत ज़्यादा बीमार कर रहे हो ठीक करने की बजाय, ठीक है। तो हमें करने क्या है, देखिए, देयर इज लॉन्ग सेगमेंटल ल्यूमिनल नैरोइंग ऑफ डिस्टल इलियम एक्सटेंडिंग अप टू इलियोसीकल जंक्शन एसोसिएटेड विद कॉलेप्स्ड सीकम। इसके इनका कहने का मतलब क्या है, सेगमेंट, देखिए, लॉन्ग सेगमेंटल ल्यूमिन नैरोइंग यानी जो इलियम का इलियम तक, यानी कि जो सेगमेंट है, जो ल्यूमिनल जो सेगमेंट है उसका जो उसका साइज है वो कम हो गया। नैरोइंग यानी कम हो जाना। एक जैसे ये है, ये फुली डायलेटेड है मान लीजिए, और इसको ये अगर ये होता जा ये ऐसे हो रहा है यानी कि ये नैरो हो रहा है, यानी कि उसका जो जो डायमीटर है वो कम हो रहा है ना। तो डिस्टल इलियम एक्सटेंडिंग अप टू इलियोसिकल जंक्शन, वो इलियोसिकल जंक्शन है वहाँ तक ये पहुँच गया है, नैरो होता चला गया है और उसके साथ में सीकम कोलेप्स हो गया है, ठीक है, देख रहे हैं ना। एसोसिएटेड विथ कॉलेप्स सीकम एंड कॉलोनिक लूप विथ मॉडरेट डायलेटेड ऑफ इलियन एंड जिजनल लूप्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉलेप्स हो गया सीकम, है ना। कॉलेप्स यानी कि चिपक जाना, चिपक रहा है वहाँ पे, तो वो दिक्कत करेगा पेशेंट को। वहाँ पे आपको ऑपरेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी। सोइंग एयर फ्लूड लेवल विद इन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन विथ नैरो ट्रांजिशनल जोन एट डिस्टल इलियम, जो इलियम का डिस्टल पार्ट है वहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, नैरो देखने को मिल रही है ऑब्स्ट्रक्शन। पेशेंट को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर ये डायग्नोस कर रहे हैं लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है उन्होंने, है ना, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं अल्ट्रासोनोग्राफी में या सिटी में जो कुछ चीज़ें नहीं आ पाती हैं, तो वहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क लगाना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये जो इनको जो दिखा हुआ है, जिनको जो दिखा है वो इन्होंने यहाँ पे शो कर दिया है, ठीक है। देन अदर इन्वेस्टिगेशन या अदर फर्दर अगर हम कराते हैं इन्वेस्टिगेशन तो उसमें हमें पता लग जाएगा, राइट, कन्फर्मेशन करने के लिए। लाइकली ड्यू टू डिस्टल इलियल स्ट्रक्चर, तो क्या होता है कि जब इलियम है आपका वो स्ट्रक्चर हो रहा है यानी कि एकदम से चिपकता चला हुआ जा रहा है और वहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। अगर आप इसका ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, पेशेंट को पेट फूलता चला जाएगा, गैस पास नहीं होगी पेशेंट को, स्टूल पास आउट नहीं होगा पेशेंट को, वोमिटिंग स्टार्ट हो जाएंगी पेशेंट को, ऐसी कंडीशंस आती हैं ऑब्स्ट्रक्शन के केस में, ठीक है। मिनिमल फ्लूड इन पेरिटोनियल कैविटी, मिनिमल फ्लूड इन बायलेटरल प्लूरल स्पेस, ठीक है। तो ये ऐसा थोड़ा सा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का केस अगर ऐसा होता है तो आपको तुरंत हायर सेंटर रेफर करना चाहिए या फिर घर में अगर किसी को
इस तरह की परेशानी आती है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का, अगर आपको लगता है कि आंतों में रुकावट हो सकती है तो तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेनी चाहिए और अदर इन्वेस्टिगेशन या अदर अच्छे तरीके से इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो लेना चाहिए। नहीं तो ऑपरेशंस तो नेसेसरी होता ही है, लेकिन घर पर आपको ये ध्यान रखना है अगर आंतों की रुकावट का कोई भी केसेस है तो आपको घर पर उसको ट्रीट नहीं करना है और ओरल तुरंत बंद कर देना है। सो गाइस आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में एक पास में बेल आइकन बटन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आप नोटिफिकेशन के लिए उसे ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा। सो मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। और मेरा एक नया चैनल है डॉक्टर ऑलन बट के नाम से, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो गाइस चैनल का नाम है डॉक्टर ऑल इन वन। मैं वहाँ पर आपको मिलूँगा नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। मैं जब तक यहाँ पर वीडियोज़ बना रहा हूँ तब तक बना रहा हूँ, आखिर मैं मिलूँगा आपको उसी चैनल पर। सो गाइस उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको इसी मेडिकल से रिलेटेड कई सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।